हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार किसी भाई ने मुझसे पूछा कि सर क्या सीडी और डीवीडी के द्वारा भी सोलर पैनल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो प्रकार के सोलर पैनल बनाऊँगा सीडी डीवीडी के द्वारा, और उसको विद टेस्टिंग आपको बताऊंगा कि क्या ये रियल है या फेक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड्स, इस तरह का सोलर पैनल बनाने के लिए वो लोग इस तरह की सीडी या डीवीडी लेते हैं, और इस सीडी या डीवीडी के ऊपर वो इस तरह का इंसुलेटिव कॉपर वायर यूज करते हैं जो कि 35 गेज का वो लेते हैं, और फिर इस सीडी या डीवीडी के ऊपर 46 गेरे लगाते हैं। और वो गेरे कैसे लगाने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं दो तरीके यूज में लूंगा इस तरह की सीडी डीवीडी का सोलर पैनल बनाने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि यार मुकेश भाई, आप एक सीडी डीवीडी से क्या बना लोगे यार, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वो एक सीडी डीवीडी के द्वारा भी वोल्टेज आउटपुट निकालते हैं, तो हम भी ऐसा ही करके देखेंगे कि वास्तव में क्या ऐसा होता है क्या। अगर ऐसा होता है तो यार मेरे पास भी इतनी सारी सीडी और डीवीडियां पड़ी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यही नहीं फ्रेंड्स, इससे भी 5 गुना सीडी डीवीडी मेरे पास पड़ी हुई है। तो अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हम इनको भी यूज में ले लेंगे फिर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दो होल किए जाते हैं छोटे छोटे, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। ठीक है, देख सकते हैं। और अब देखिए इस वायर के हम गेरे लगाते हैं, तो ऐसे तो लगेगा नहीं फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले देखिए इस होल के अंदर इसको इस तरीके से वायर को निकाल लेना है, और अब देखिए गेरे लगाते हैं। ये एक गेरा लग गया, ये दो गेरा लग गया, ये तीन, तो इस तरीके से 46 कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला गेरा लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये दो वायर निकल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉपर वायर है वो है इंसुलेटिव, तो इसके दोनों मुंह को हमें छीलना होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसको चेक कराने से पहले हम एक और सोलर पैनल बनाते हैं, तो इसका भी वीडियो बना हुआ है और अच्छे खासे व्यूज भी है, तो हम इसको भी चेक करेंगे कि क्या ये वास्तव में काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए अब की बार हम डीवीडी की जगह सीडी लेंगे, उसके अंदर भी सीडी ली जाती है, और यहाँ पर भी हम सेम उसी तरह से दो होल कर लेंगे छोटे छोटे। और देखिए ये किस तरीके से बनता है, यहाँ पर देखिए इस तरह की मैग्नेट ली जाती है, और बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होती है, और मैग्नेट चौकोर हो या फिर गोल हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इनमें से फ्रेंड्स हम एक मैग्नेट ले लेंगे, और देखिए इस मैग्नेट को कुछ इस तरीके से सीडी के ऊपर चिपका ली जाती है, जैसा कि मैं यहाँ पर चिपका रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम स्टैंड ग्लू के द्वारा इसको जल्दी से चिपका लेते हैं, और अब देखिए इसके अंदर भी एक कॉपर का इंसुलेटिव वायर लिया जाता है 0.60 mm का, लेकिन फ्रेंड्स अब की बार जो गेरों की संख्या है वो इसके अंदर सिर्फ 10 होगी, ठीक है। तो वो किस तरीके से गेरे लगेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरीके से होल के अंदर ये वायर निकाल लेना है, और ये गेरे लगेंगे इस मैग्नेट के ऊपर इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यार, मेरा वायरलेस माइक किसी कारण से म्यूट हो गया था, इसलिए मुझे इस वीडियो के बीच में थोड़ी सी वॉइस ओवर करनी पड़ी, तो हो सकता है वीडियो के बीच में आपको मेरी वॉइस में डिफरेंस लगे, तो प्लीज़ यार इग्नोर करना। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार बाय के वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्न हो चुका है, और अब हम यहाँ पर दूसरा टर्न लगा रहे हैं। इस तरीके से 10 टर्न यहाँ पर लगाने हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 10 गेरे लगा लिए हैं इन वायरों के, और अब देखिए इन वायरों को भी हम
उसी प्रकार से छीन लेंगे जैसा कि हमने पहला वाला सोलर पैनल बनाया था। वो बात एक अलग है कि यार अभी तक हमने चेक नहीं किया है कि वो फेक है या सही है, लेकिन यार वो तो हो ही जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो वायर है इनको हम किसी भी ग्लू के द्वारा चिपका लेंगे जैसा कि वीडियो में बताया गया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी ग्लू ले, आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ पर हमें इन वायरों को फिक्स करना है। और जो फर्स्ट नंबर वाला सोलर पैनल है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही था कि उन डीवीडियो को एक साथ चिपकाना, ठीक है। तो ग्लू से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देखिए एक बार मैं इसको ग्लू से चिपका देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको ग्लू के द्वारा चिपका लिया है अच्छे से। और अब हम इन दोनों को लेके चलते हैं धूप के अंदर और देखते हैं फ्रेंड्स इनके अंदर कितने वोल्टेज निकलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स धूप के अंदर मैं लेके आ गया हूँ दोनों सीडी और डीवीडी को और अब देखिए वोल्टेज चेक करवाता हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने डीसी के 20 वोल्ट पे कर दिया है मीटर को और अब आप देखना फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स पॉइंटों के अंदर भी वोल्टेज नहीं आ रहे, इसके अंदर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, देख सकते हैं ये देखिए, ठीक है। और धूप की तरफ देखिए मैंने करके रखा हुआ है, बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहे। तो इसके अंदर आखिर वो वोल्टेज लाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए अब मैं आपको ये भी चेक कराता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए किसी भी प्रकार के कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। ये जो वोल्टेज 0.023 आ रहे हैं ये भी हमारे शरीर के अंदर से ही आते हैं। ये देखिए इस तरह से अगर आप प्रोब को दबा लोगे उंगलियों के बीच के अंदर तब भी इस तरह से 0.032 वोल्टेज आपको मिलेंगे। तो वो वोल्टेज ना के बराबर ही है लेकिन इस तरीके से कोई भी किसी तरह का वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इनके अंदर वोल्टेज लाते कैसे हैं वो लोग, आखिर इनके अंदर करते क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स वो भी मैं आपको बताता हूँ तरीका, देख सकते हैं फ्रेंड्स 3.88 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कैसे आए वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये डीसी मोटर है, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो देखना फ्रेंड्स आप किस तरीके से हमारी ये मोटर भी चल जाएगी, ये देखिए फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से फेक सोलर पैनल हमारा ये बन गया है। तो फेक कैसे हुआ फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वो लोग आपको इसी तरीके से बताते हैं लेकिन ऐसे उल्टा करके नहीं बताते। ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है एक बैटरी और देखिए यहाँ पर मैंने बीच से इस वायर को कट कर दिया है ताकि दोनों की कनेक्टिविटी आपस में अलग अलग रहे। तो एक वायर को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है और एक वायर को यहाँ पर, यानी कि इन दोनों पे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से वो लोग आपको वोल्टेज के साथ साथ में मोटर भी चला के बता देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यही बैटरी वो लगाते हैं, हो सकता है अलग बैटरी हो। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से वो लोग सीडी डीवीडी के द्वारा फेक सोलर पैनल बनाते हैं। तो ये तो हो गया इसका काम, यानी ये तो फेक निकला। तो ज़्यादा डीवीडियाँ लगा के इस तरीके से फेक सोलर बनाने से कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखिए फ्रेंड्स आपको मैं ये वाली मोटर इसके द्वारा चला के बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स वो लोग किस तरीके से इस मोटर को चलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे इन दोनों वायरों को इस तरह से टच करेंगे और बैकग्राउंड में इस पार्किंग की आवाज़ देते हैं। तो वो आवाज़ भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से होती है। और अब देखिए मैं आपको इसके द्वारा चला के बताता हूँ किस तरीके से वो इस मोटर को चलाते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से वो लोग आपको चेक करवाते हैं, ये देखिए देख सकते हैं। तो अचानक से इस सीडी के अंदर किस तरीके से पावर आ गया और आप देख सकते हैं इसको उल्टा भी कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स इसके नीचे, ठीक है। और अब देखिए मैं वापस से आपको चेक कराता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपके सामने राज खोलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये वायर अभी यहाँ पर जुड़ा हुआ था, अभी ये निकल गया है, ये देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ठीक है। और ये देखिए वायरिंग जा रही है और पीछे मेरे बैटरी पड़ी है, ये देखिए बैटरी पड़ी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वायर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके से इसको चालू करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं मोटर को, ये देखिए ऐसे हाथ में रखते हैं और वायर देखिए ऐसे नीचे की तरफ रहता है, ये देखिए
ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और देखिए इस पार्किंग भी वो किस तरीके से करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड में इस पार्किंग की आवाज़ लाते हैं, तो बैकग्राउंड में किसी भी बैटरी के द्वारा इस पार्किंग करते हैं, जैसा कि मैं आपको इस बैटरी के द्वारा करके बताता हूँ। तो बैकग्राउंड में देखिए इस पार्किंग कैसे लाते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरी ये बैटरी चार्ज नहीं है फुल, नहीं तो इसमें और भी तेज साउंड आती। इसी प्रकार से फ्रेंड्स वो लोग ज़्यादा सीडी डीवीडी लगा के बड़ा सोलर पैनल बना लेते हैं और उसके अंदर भी कुछ फेक जुगाड़ करते हैं। फेक कैसे, पाइप के अंदर से 220 वोल्ट एसी या फिर बैटरियों को सीरीज में करके 220 वोल्ट एसी के लगभग वोल्टेज निकालते हैं और वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपको चला के बता देते हैं। तो फ्रेंड्स यार आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, हो सकता है यार ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और अगर आप लोगों की भी कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।